ठीक, इसी तरह जो है आठवीं चीज जो है इंसाफ के साथ गलती करने वाले की इसलाह करे, इंसाफ के साथ। इसका क्या माना है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 152 में कहता है, वइज कुल तुम फअदिलु, जब तुम कहो तो अदल और इंसाफ के साथ कहो। दूसरी जगह नबी को फरमाया और कहा सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 58 में अल्लाह ने फरमाया और कहा, वइज हकम तुम बैन नासी अंतहकुमु बिल अदल, जब लोगों में तुम फैसला करो ऐ नबी तो इंसाफ के अदल के साथ फैसला करना। ठीक, तो गलती इंसाफ के साथ इसलाह होंगी। जैसे कि मालदार है तो नहीं भाई बहुत मालदार है इनकी इसलाह नहीं कर सकते अपन, गरीब आ गया तो हाँ आज तो गया ये गरीब, इसको तो आज बहुत बोलेंगे अपन, इसलिए गरीब है क्या करेंगे अपने खिलाफ। ठीक है, पहचान वाला है गलती क्या, अरे अपने खानदान का करें नहीं इसका कुछ नहीं बोलते, इसको जाने दो। अजनबी ने क्या, चलो इसको तो पकड़ो ये फलां दिख रहा है, इसको तो आज छोड़ने का नहीं अपने, इंसाफ नहीं करें ना। मालदार है तो छोड़ दे रहे हैं, पहचान वाला है छोड़ दे रहे, अपने खानदान वाला छोड़ दे रहे, अपनी नस्ल का आदमी छोड़ दो, दूसरा है तो बिल्कुल पकड़ो बड़ी महफिल में उसको डांटो उसकी गलतियों की इसलाह करो, ऐसा नहीं। इंसाफ के साथ दोनों फरीक है, इंसाफ के साथ हम गलती जो इसलाह करें। इसी तरह जो है नवी चीज़ जो जहन में रखिए,